बाद की पूरी आवाम दिल्ली के मौजूदा बादशाह को हरा कर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चौथी बात, ये उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर सुधरने वाला नहीं है, नहीं सुधरता इन्हें। 72 घंटे इलेक्शन कमीशन ने कहा स्कूल में टीचर क्या बोलती है, तो उसको इलेक्शन कमीशन बोला 72 आवर्स बैन। हम क्या बाबर की संतान है? हमको बाबर से कुछ लेना देना नहीं है, हमको मलिक अंबर से है, हमको सिद्दी इब्राहिम से मतलब है। ये तुमको बाबर से इतनी मोहब्बत क्यों है? कुछ ऊपर मिलता क्या कलेक्शन? हमारे को तो नहीं मालूम, हमारा कनेक्शन बाबर से नहीं है, हमारा कनेक्शन ख्वाजा गरीब नवाज से है, हमारा कनेक्शन जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह से है, हमारा कनेक्शन शहीद अहमद शहीद से है, हमारा कनेक्शन उन लोगों से है जिन्होंने माल्टा की जेल में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जो रेशमी रुमाल की तहरीक चलाए थे, हमारा कनेक्शन अल्लामा फजल खैराबादी से है। बताओ तुम्हारा कनेक्शन किससे है? तुम्हारा नो कनेक्शन, नो कनेक्शन व्हाटसोएवर, तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए तुम कनेक्शन ढूंढ रहे। और तुम्हारा कनेक्शन सिर्फ यही है कि तुम सिर्फ मजहब के नाम पर वोट पूछना चाहते हो। ये बीजेपी और शिवसेना कर रही है, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम आतंकवाद के नाम पर डर फैलाना। मेरे भाई, आज मोदी का ये चेहरा हिंदुस्तान के सामने आ गया और सुषमा स्वराज का स्टेटमेंट, मोदी जी सुषमा जी ने क्या कह दिया आपको? टाइटाई कर दिया उन्होंने। सुषमा स्वराज ने लगता है मौके की ताक में थी कि इसको जवाब दूंगी मैं, और सुषमा स्वराज ने कह दिया मोदी जी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो मानता हूं बालाकोट को। सुषमा जी ने कह दिया कि हमने जो बालाकोट में बम गिराए उसमें ना पाकिस्तान की फौज मारी गई ना पाकिस्तान के पाकिस्तानी मारे गए। सुषमा जी उसमें क्या मार्स के लोग मारे गए थे? क्या अमेरिकन मारे गए थे? क्या रशियन मारे गए थे? क्या अफगानी मारे गए थे? आपने भी सही टाइम पर मोदी से अपना बदला ले लिया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। सब बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं, बशमूल शिवसेना भी। क्या कहते थे, चौकीदार चोर है, ये भी शिवसेना कहती थी कि अब हम इनको अकेला लड़ेंगे। और जब इलेक्शन की बात आई तो जाकर मोदी का हाथ पकड़ लिए, बोले मित्रों अकेला डर हो रहा है तो इसी सामने औरंगाबाद में जाकर कहा कि मोदी तेरा हाथ तेरा मदद चाहिए, क्योंकि बाड़ा साहब हम पे खड़ा हुआ है। इसलिए बाड़ा साहब का डर शिवसेना को मोदी के पास भिजा दिया। तो मेरे भाई, हर महास पर ये मोदी के पांच साल इसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं आया होगा। झूठ बोलना ऐसा आज से बोलते हैं। और मीडिया के लोगों, याद रखो सरकार बदलने वाली है, देश का प्रधानमंत्री अब मोदी नहीं रहेगा। याद रखो मीडिया वालों, अब तो चमचागिरी करना छोड़ दो, अब तो बताओ कि महाराष्ट्र में बाड़ा साहब ने किन खिलाफ लिख दिया है महाराष्ट्र की सियासत में। तुम कब तक मित्रों मोदी जी करते रहोगे?
अरे तुम्हारे सामने बारह साल एक मर्द मुजाहिद की तरह मोदी से मुकाबला कर रहा है। मेरे भाई ये अजीब और गरीब है कि जैसा इलेक्शन आता है हर मीडिया के लोग मेरे पास आकर पूछते हैं, ए ओवैसी। मैंने जब ऐसा बोलते तो मैं समझ जाता हूं, मैं उनसे पूछता हूं तुम्हारा तेरा सवाल क्या है पहले पूछो। बोलते ये मुस्लिम वोट कहां जाएगा? मैं बोला अगर लेडी है तो मतलब मैडम, ये तो बताओ कि ब्राह्मण वोट कहां जाएगा, मराठा वोट कहां जाएगा, साहिब का वोट कहां जाएगा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बोले नहीं तुमसे ही पूछना है। मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बड़ा साहब से पूछो तो उनको जवाब दे देंगे। शोलापुर में कांग्रेस बीजेपी टाई टाई हो गई शोलापुर में, और इंशाल्लाह ताला बड़ा साहब न सिर्फ शोलापुर बल्कि अकोला से भी जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ उस रिमोट कहां जा रहा, उसके बाद बोलते ये शेड्यूल का सोर्ट क्या होगा। बोला क्या होगा क्या मतलब, वो बेहतर जानते हैं उनका दोस्त कौन है उनका दुश्मन कौन है, वो बेहतर जानते हैं कि उनका हमदर्द कौन है, वो बेहतर जानते हैं कि बारा साहब न सिर्फ शेड्यूल कास्ट बल्कि माइनॉरिटीज ओबीसी और धनगर समाज कोली समाज का ऐसा रेनबो अलायंस क्रिएट किए कि इससे मोदी भी परेशान, शिवसेना भी परेशान, कांग्रेस भी परेशान और पवार साहिब भी परेशान। मेरे भाई पांचवी और अहम बात यह है, कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं सुधरने वाली है। बहुत कोशिश कर लिए औरंगाबाद में ऐसा करेंगे फुला करेंगे, आज इस दाइस के ऊपर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोहतरम जनाब जावेद कुरैशी का। ये स्पिरिट हमको पैदा करना है। मैं फोन किया जावेद कुरैशी साहब को, मैं पूछा कहां है आप, तो बोले कि सर मैं कहां जाऊंगा आप मेरे को भूल गए। मैंने कहा नहीं नहीं भूला, तुम्हारी याद बहुत आ रही है, मैं तुम्हारे घर को आ रहा हूं। बोले सर मैं तैयार बैठा हूं। मैं गया घर को, जावेद साहब को अपने गले से लगाया और उनसे एक ही बात कहा कि जावेद साहब अब दूरी नहीं होगी, अब दूरी उसी वक्त पैदा होगी कि जब तुम दुनिया से तुम रुख्सत हो गए या मैं रुख्सत होगा, अब हमको मिलकर रहना है इंशाअल्लाह। ये सत्ता है स्पिरिट है जिसको कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, और कांग्रेस बार बार ये बोलना कि वोट काटेंगे वोट काटेंगे, बारा साहब वोट काटेंगे, असदुद्दीन ओवैसी वोट काटेगा, इम्तियाज वोट काटेगा। अरे तुम क्या वोट काटने का नाम तुमको क्या जिंदगी में वही मिल गया, कोई दूसरी चीज तुमको याद नहीं आती कि वोट काटना? अरे तुम नहीं रोक पा रहे आरएसएस को, बताओ हिंदुस्तान में किसने कहा था कि आरएसएस को कानून के दायरे में लाना चाहिए? 70 साल में किसने कहा बताओ आरएसएस को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाना चाहिए? किसने कहा, किसने कहा आरएसएस को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाना चाहिए? किसने कहा मुझे बताओ, जोर से बताओ, पुकार के बताओ ताकि नागपुर और मोदी को मालूम हो सके। किसने कहा, जोर से बोलो और जोर से बोलो, दबा के बोलो, चम के बोलो, मिलकर बोलो, एक होकर बोलो। सुने कांग्रेसियों, मोदी सुने, एक ही मिनट में पूरे बोल रहे बारा साहिब बारा साहिब बारा साहिब,
और लोग समझ रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे और लोग मोदी मोदी अब कोई नहीं बोल रहे। अच्छे दिन तो बहुजन वंचित अगाड़ी के आगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां से हमारे अच्छे दिन शुरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो हमारा मिलाप है ये सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक पार्लियामेंट इलेक्शन तक नहीं है बल्कि इंशाअल्लाह ताला जितने भी इलेक्शन महाराष्ट्र में आएंगे मैं बाला साहब के पीछे खड़ा रहूंगा। जिस तरह शिवाजी के साथ सिद्दी इब्राहिम खड़ा था बाला साहब इसी तरह मैं आपके साथ खड़े रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हमको इस समाज को बचाना है, इस समाज को उसका मुकाम दिलाना है, इस समाज में एक जोश पैदा करना है ताकि ये जो तमाम पार्टियां महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, महाराष्ट्र में 50-60 खानदान है जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं कास्ट के नाम पर। आज बाला साहब जो काम उठाए इंशाअल्लाह ताला वो 50 खानदान भी करेंगे, नागपुर का आरएसएस का चड्डी खानदान भी करेगा और दिल्ली में बैठे हुए जितने परिवार जितने फैमिली है सब डर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि बताओ तुमने तेलंगाना में तो स्वीप कर दिया, तुमने आंध्रा में स्वीप कर दिया, अब महाराष्ट्र में क्या होगा। मैंने कहा जो आंध्रा तेलंगाना में हुआ वो महाराष्ट्र में होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई छठी बात यह है कि मैं बड़ी तकलीफ के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, दो ऐसे वाकयात मेरी जिंदगी में 15 साल की अपनी पार्लिमानी जिंदगी में हुए। क्योंकि आप मेरे हैं अपने हैं, मैं गैरों के सामने दुश्मनों के सामने अपनी तकलीफ का इजहार नहीं कर सकता क्योंकि ये मजमा मेरे अपनों का है। मुझे मालूम कि आप मेरे हैं मैं आपका हूं। दो वाकयात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ऐसे हुए कि मुझे अंदर से तोड़ दिए। एक जब ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया जब कोई नहीं उठा मदद के लिए, मैं अकेला पुकार रहा था कि देखो ये बाबा साहेब के बना हुए संविधान के खिलाफ है, ये मुस्लिम महिलाओं को न इंसाफ नहीं ना इंसाफी दिलाएगा, ये हमारे कानून में हमारी शनाख्त में मदाखलत है। उस वक्त मुझे अपना अकेलापन महसूस हुआ, मैं कभी दाएं देखता तो कभी बाएं देखता कि या अल्लाह कोई तो उठेगा और बताएगा इन लोगों को, मगर मेरे भाई उतना अकेलापन महसूस हुआ कि मैंने अपने हाथों से अपने मरहूम बाप को कब्रस्तान में कब्र में उतारा। वैसे थे बाप मुझे उस बेटे को उस वक्त तकलीफ नहीं हुई जब मुझे उस दिन ऐवान पार्लियामेंट में इतनी तकलीफ उठाना पड़ा। मेरे भाई जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान को उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब इस मोदी ने 10% आरक्षण देता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, 100 से ज्यादा एमपी बैठे हैं शेड्यूल कास्ट के और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आरक्षण किस बुनियाद पर मिलता है, क्या आरक्षण इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर मिलता है या बाबा साहेब के उस उसूल पर मिलता है, उस समाज को जिसको 5000 साल से दबाया गया। कोई मुंह नहीं खोला मेरी मां और बहनों, मेरी आंखें मेरे कान तरस रहे थे कि शायद तो उठ कर बोले, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं उठकर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लूंगा। मैं उठा और उठकर बाबा साहेब का नाम लेकर कहा मोदी से कि व्हाट यू आर डूइंग इज दिस सर्विस टू बाबा साहेब अंबेडकर, तुम हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। काश उस दोनों वक्त में मेरे साथ मेरे बड़े भाई बाला साहब होते तो खुदा की कसम यह कानून नहीं बनने देते हम। वो कम से कम वो जो 100 लोग बैठे हुए थे
शायद वो भी उनकी जान में जान हरारत आ जाती, उनकी जबानें हरकत करने लगती। इनको डर क्या है कि 100 बैठे हुए थे जो हमारे इशारों पर कठपुतली की तरह बैठ कर उठते हैं। अगर एक बाबा साहेब अंबेडकर का खून हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में चला जाएगा तो इनको डर है, खौफ है कि अंबेडकर का जानशीन, बाबा साहेब का जानशीन अगर पार्लियामेंट में खड़ा हो गया तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दरों दीवार को भी अंबेडकर की औलाद की आवाज को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिरी मरहले आखिरी बात कहकर अपनी जगह ले लूंगा। ये मीडिया के लोग आके पूछते आप लोग दिल्ली जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे, बाला साहिब ने कह दिया। मैं कह रहा हूं जब दिल्ली जाएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला मोदी को और बीजेपी को गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे, ना उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो मीडिया के लोग मुझसे पूछे एक मरतबा, एओसी मोदी से हट के कौन सा कैंडिडेट तुम्हारे पास है? मैं उनसे पूछा क्या मोदी भारत है या भारत मोदी है या मोदी भारत से बड़ा है? बताओ भारत बड़ा है या मोदी बड़ा है? कौन बड़ा है, भारत बड़ा है या मोदी बड़ा है? अब आप ये बोलो, ये बोलते कांग्रेस है, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास बाबा साहिब का संविधान है और बाबा साहिब का जानशीन है। क्या कांग्रेस भारत है? क्या कांग्रेस भारत है? भारत है तो सब है, भारत नहीं है तो मोदी भी नहीं, आरएसएस भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, ओबीसी भी नहीं। भारत है तो हम सब है, मगर मोदी ये बोलता है कि मैं भारत से बड़ा हो गया। नहीं मिस्टर मोदी, आप भारत के सामने इतने भी नहीं है, इतने भी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिरी बात कहकर अपनी जगह ले लूंगा कि 23 तारीख के दिन आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि सुबह सुबह अपने घर से निकलिए, अपने पोलिंग बूथ को जाइए, अपने पास आइडेंटिटी कार्ड रखिए और जाकर अपना वोट डालिए। खूब वोट डालना, हर पोलिंग बूथ से आवाज आना, क्या आवाज आना, पतंग 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 की आवाज आना। औरंगाबाद की फिजाओं में सिर्फ पतंग नजर आना 23 तारीख को। यहां पर औरंगाबाद में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील का निशान पतंग का है। मैं औरंगाबाद की आवाम से वादा कर रहा हूं कि पीने का पानी का मसला हल करेंगे। ये खैरे पूरा औरंगाबाद का पानी निगल लिया, सबको प्यासा कर दिया, अब हम इंशाअल्लाह ताला इसको प्यासा करेंगे। नई सरकार बनेगी दिल्ली में इंशाअल्लाह ताला, भारत में एक नई सुबह होगी। अपने वोट का इस्तेमाल करना, पूरे वोट का इस्तेमाल करो। नौजवानों लेकर जाओ फैमिलीज को। और मैं तुमको एक वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक शख्स है जो गलती से उसने वोट बीजेपी को डाल दिया, उसका ताल्लुक शेड्यूल कास्ट तबके से था, तो उसको इतना तकलीफ हुई, इतना रोया अपने घर को जाकर, उसको समझ में नहीं आया क्या करूं, तो जिस उंगली से वोट डाला उसने चाकू लेकर उसको काट लिया। नहीं मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उंगली काटो, मैं ये कह रहा हूं ये उंगली को उठाओ, बटन दबाओ 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 दबाओ, जब दबाओगे तो सोचना
ये मोदी और आरएसएस ने हमको दबाया था भीमा कोरेगांव में, अब हम यहां पर कदम बढ़ाएंगे। इस मोदी ने हमको भीमा कोरेगांव में हमारे बच्चों को जेल में डाला, हम बटन दबाएंगे। इस मोदी ने आरएसएस ने अखलाक को पीलू खान को जो औरंगाबाद में हमारे मियो भाई हैं, निकलो आज पीलू खान का जमहूरी तौर पर रूह तुमको पुकार कर कह रही है बटन दबाओ, बटन दबाओ और इम्तियाज जलील पे कसीम शान कामयाबी दिलाओ। और जब असेंबली इलेक्शन आएगा तो फिर खेल में और मजा आएगा और ऐसा खेल होगा कि डॉक्टर खादरी भी इंशाअल्लाह एमएलए बनकर जाएगा महाराष्ट्र के असेंबली को। मैं डॉक्टर खादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ा रोल अदा किया मुझे अपने बड़े भाई से करीब करने का। ये डॉक्टर की जवानी का राज क्या है मुझे नहीं मालूम, कभी बाद में बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। मेरे भाई कल शबे बारात है, कल शबे बारात है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं अल्लाह जो है बनी कल के बकरियों के बालों की तरह लोगों के गुनाहों को माफ करता, आप मेरे लिए भी दुआ करना। मैं गुनाहगार हूं मेरे भाई, बेसरो सामानी की आलम में हम मुकाबला कर रहे हैं। मुझे 5 साल पहले तुमने अपनी मोहब्बतों से यहां पर आने की दावत दी, मेरा आज उस वक्त भी कोई मेरा जाती मफाद नहीं था ना आज है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि शऊर बेदार हो, हमारी आवाज हो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र के असेंबली में, मेरे लिए दुआ करना। और जब तुम दुआ करोगे तो दुआ करना कि अल्लाह जो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने मजलूमों के साथ इत्तेहाद किया, कमजोरों के साथ इत्तेहाद किया, अल्लाह तो जमीन और आसमान का खालिक है, इख्तदार देना तेरे बस की बात है। तू महाराष्ट्र में मजलूमों को कमजोरों को इख्तदार से नवाज दे। दुआ करो कि ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि वंचित बहुजन आगामी के हर उम्मीदवार को अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब और कामरान कर दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।